Assalamu alaikum ji, how are you all? I hope you all are good. And here we are in Imar, the Sikh house. Yahan pe hum aaye hain ji lunch karne with our boss aur apni colleagues ke saath. Hamara staff lunch tha after school aur Maisha Ziam was not there with me because hum log sirf staff ka lunch tha, to hum yahan pe aaye the and it was superb, mazedar, delicious. Aur first humne jo starter tha soup and salad se kiya aur uske baad yummy apna meal khaya and it was super meeting. अच्छा जी, यहाँ पे इमार में इंडोर सिटिंग एरिया भी है और आउटडोर भी है, तो हमने लंच तो अपना इंडोर किया और उसके बाद फिर हम बाहर आए, थोड़ा सी गपशप की, एंजॉय किया वेदर जो कि बहुत ठंडा हो रहा था और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी मीटिंग थी. इस तरह की मीटिंग्स अपने बॉस के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ होनी चाहिए और वी एंजॉयड अ लॉट. और फिर बस सब अपने अपने घर को. फिर जी घर आने के बाद माइशा वाज लाइक कि मुझे केक खाना है एंड वी वर नॉट हैविंग एग एट दैट टाइम. हमारा जो है वो एग जो है वो फिनिश हुए हुए थे, तो वो वेट नहीं कर रही थी कि उसको खाना है और उसने ख़ुद बनाना है. सो आई गॉट एन आइडिया, मैंने कहा माइशा व्हाई डोंट वी मेक एन केक विदाउट एग. माइशा और मैंने फिर बनाया जी मग केक, विच इज़ सुपर इजी और झटपट बन भी जाता है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं. और माइशा इज़ लाइक के उसको ख़ुद इस तरह की चीज़ें करना पसंद हैं, लाइक ख़ुद बनाना, तो वो इजीली फिर उसके साथ वो बना भी लेती है और इंजॉय भी कर लेती है. इस तरह जब एग्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो वो बाद में आ भी गए थे, लेकिन इससे पहले हम बना चुके थे और वो इंजॉय कर चुकी थी. तो इस तरह से झटपट से चीज़ तैयार हो जाए उसका कोई ना कोई हल हमें ज़रूर इस तरह निकाल लेना चाहिए था कि बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर लें. तो ये जी अब माइशा कर रही है चॉकलेट चिप स्प्रिंकल और इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स ज़रा और टेस्ट के लिए, और ये बच्चे इंजॉय भी करते हैं, इनको बहुत पसंद होते हैं. तो इस तरह के थोड़े से इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर हो और कुछ ना हो तो भी चलेगा, तो भी बन जाता है, बच्चे इंजॉय करते हैं. जैसे माइशा वाल शी मेकिंग इट और उसके बाद फिर इसको वो अवन में डालेगी और फिर उसको इंजॉय करेगी. बस केक इज़ रेडी. Thank you.
So here we are with the next day, with the next vlog. और फिर ये जी हम लोग next day निकले थे बाहर और क्योंकि weather बहुत अच्छा था और इसलिए हम लोग बाहर enjoy करने भी गए थे और कुछ एक दो चीज़ें थी जो हम लोगों ने लेनी थी. So we planned and we went out कि मौसम के मुनासबत से मौसम भी अच्छा है, वो भी enjoy हो जाएगा और बच्चे भी enjoy कर लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा. यहाँ पे हम आए थे इट्स पाकिस्तानी शॉप्स जहाँ पे पाकिस्तानी हमें कपड़े मिल जाते हैं लाइक लॉन के और दूसरे स्टफ्स वगैरह. यहाँ पे हमारे उम्र वाले आए हुए हैं विच इज़ फैमिली फ्रेंड्स और हमें उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह बाय करने थे और हमने सोचा कि ऑब्वियसली दे विल गो बैक टू पाकिस्तान और उनको आगे ज़रूरत पड़ेगी. ओके सो दिस इज़ पाकिस्तानी स्टोर. यहाँ पे ग्रॉसरी की चीज़ें मिल जाती हैं आपको इजीली और पाकिस्तानी हर चीज़ लाइक आपको जो भी चाहिए वो मिल जाता है. तो बस एक दो चीज़ हमें चाहिए थी जो बाबा जल्दी से लेने गए थे वापसी पे और उतनी देर में मायशा ज़ियाम ड्राइविंग सीट पे बैठ गए थे. ज़ियाम स्पेशली उसको बहुत शौक़ है कार्स का. पहले जब तक पाकिस्तान में था ही लव बाइक, उसको बाइक बहुत पसंद थी कि बस बुम बुम चलानी है. ही यूज़ टू से बुम बुम. तो अब जब से इधर आया है सऊदीया में तो इसको कार्स बहुत पसंद है. ऑब्वियसली बस यहाँ पे सिर्फ कार्स ही देखता है तो उसको गाड़ियाँ बहुत पसंद है. ही लव टू ड्राइविंग. तो यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप ड्राइविंग सीट पे जो है बच्चे को बिठाएं, यहाँ पे फ़ाइन हो जाता है. सो बस जब तक हाईवे पे नहीं जाते बाबा उसको या भाई उसको अपने साथ ड्राइविंग सीट पर बिठा लेते हैं. यहाँ जब भी हम पाकिस्तानी एरिया में आते हैं अज़ीज़िया तो यहाँ पे यहाँ से हम स्पेशली पाकिस्तानी जो हमारी रोटी है जो तंदूर में लगती है वो रोटियाँ हम ज़रूर लेके जाते हैं क्योंकि वो हर एक एरिया से नहीं मिलती और जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं मिलती. वो अरबिक जो खुबस है उनकी रोटी जो है वो ही मिलता है. तो यहाँ जब आते हैं तो हम स्पेशली फिर लेके जाते हैं और फिर वो गरम गरम फिर बच्चे उसी वक्त रास्ते में ही ऑलमोस्ट आप कह लें कि वन तो फिनिश कर लेते हैं. So we are going back home और ये अब जाते हुए इनकी कहीं पे भी दोनों की मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं लाइक फॉर नेवर एंडिंग. और घर पे हों बाहर हों इवन गाड़ी में भी हों तो दोनों बहन भाई बस मस्तियों में लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं. शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह. बस ये बच्चों की छोटी छोटी जो हैप्पी हो जाते हैं बाहर निकलने से, कोई काम ना भी उनका हो लाइक उनको बस होता है कि हम बाहर निकले हैं, वी आर गोइंग आउट और हम बस हमने एंजॉय करना है. तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह. जी फिर हम आ गए घर और आए तो देखा कि मायशा ज़ियाम की खाला जानी ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था
और फिर बस हम लोगों ने खाना खाया, मज़े मज़े के खाने खाए और इन्जॉय किया ये भी। तो जी आफ्टर डिनर अच्छा खासा हम लोगों ने खा पी के और फिर हमारा मूड बना कॉफ़ी के लिए, बिकॉज़ बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ठंडा हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। किसी का था मूड कोल्ड कॉफ़ी का, किसी का था हॉट कॉफ़ी का, और ये मायशा ज़ियाम ने लिए अपने लिए डोनट्स, और बस फिर ये थोड़ा सा इन्जॉय करके वेदर फिर हम घर वापस आ गए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।